बीते दिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल का जश्न मनाया, तो वहीं मंडी व कांगड़ा जिला को छोड़कर अन्य जिलों में भाजपा ने आक्रोश दिवस मनाया। मंडी में आज भाजपा ने आक्रोश दिवस मनाया और मंडी के सेरी मंच पर आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का जैसे तैसे एक साल निकल गया, जश्न इस बात का मनाया जा रहा है, लेकिन सरकार के एक साल के कार्यकाल को नंबर दिए जाए तो शून्य नंबर दिया जाएगा। चारों ओर होर्डिंग तो नया दौर व्यवस्था परिवर्तन के लगे हैं, लेकिन ये नया दौर बहुत जल्द पुराना होने वाला है। कांग्रेस की सरकार ने एक साल में ऐसा कुछ नहीं किया जिसका जश्न मनाया जाए। कहा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी धर्मशाला आएंगे, लेकिन वो तो शिमला आकर भी धर्मशाला की रैली में नहीं गए। स्कूल का भवन का काम बंद पड़ा, हॉस्पिटल का काम बंद पड़ा, हमने कहा कि शुरू क्या हुआ, बोलते शुरू तो सिर्फ एक ही हुआ है, एक कोने से दूसरे कोने तक होर्डिंग लगे हैं, नया दौर व्यवस्था परिवर्तन, कहा कुछ नहीं। और इस दौर को मुझे लगता है कि ये जो नया दौर चला है ये बहुत जल्दी पुराना होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है और ये हो सकता है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के लोगों को बताना चाहिए कि ये जश्न किस बात का है। पिछले एक साल में कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने 1050 संस्थान बंद कर दिए, सड़कों के निर्माण कार्य रोक दिए गए, सैकड़ों ऐसे पुल हैं जो बनने शुरू हो गए थे उनका कार्य भी रोक दिया गया। प्रदेश में आई आपदा की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए, 500 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। और ऐसे हालात में आप कल्पना करिए, जश्न मना रहे, कहां की 300 यूनिट बिजली का फ्री देंगे और एक यूनिट एक साल बीत गया फ्री नहीं हुआ। हमने माता बहनों के लिए कहा, हमने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन हमने कहा कि आप आबादी का आधा हिस्सा हैं और इसलिए आपका आने जाने का किराया हम आधा देंगे, आज भी आधे किराए पर हमारी माता कहने जा रही है। वहीं चार राज्यों के चुनाव में आए परिणामों को लेकर भी जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं आज हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जयराम ठाकुर ने जमकर तंज कसा। मिली है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, दो मंत्री बन रहे हैं या तीन मंत्री बन रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन दो की खबर हमको मालूम हो चुकी है। एक साल बीतने के बाद प्रगति ये, इसके सिवा कुछ और हो, इसलिए भाई और बहनों मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, ये नया दौर बहुत जल्दी बीत जाएगा। जो कहा जाता है ना, ये दौर भी बीत जाएगा। प्रदेश सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने के विरोध में भाजपा ने आज मंडी में आक्रोश दिवस मनाया और बीजेपी नेताओं ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।